अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों साथियों, आज हम बात करेंगे सिहाब भाई के बारे में। सिहाब भाई कहां पर हैं और क्या कर रहे हैं, सिहाब भाई की आज की क्या लोकेशन है, क्या लाइव अपडेट है। मेरे अजीज़ दोस्तों साथियों, आज हम बात करेंगे सिहाब भाई का सफ़र ईरान में जारी है, तो वो इस वक्त ईरान की क्या लोकेशन है, क्या लाइव अपडेट है, उनके साथ कोई है या नहीं है, अगर कोई साथ है उनके तो कौन है। दोस्तों मैं सब कुछ लोकेशन आपको इस वीडियो में एंड तक बताने वाला हूं। आज हम बात करेंगे सिहाब भाई के इस सफ़र की कि इस सफ़र को सिहाब भाई को शुरू किए हुए कितने दिन का वक्त बीत चुका और ईरान के अंदर अब तक इन्होंने कितना किलोमीटर सफ़र तय कर दिया और ईरान के अंदर इन्हें कितने दिन का वक्त हो चुका है। मेरे अजीज दोस्तों साथियों, आज हम बात करेंगे सिहाब भाई किन किन देशों से आगे अपने सफ़र को अंजाम देंगे और कब तक इनके पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। मेरे अजीज दोस्तों साथियों, पहले आप हमारी इस वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि जैसे ही सिहाब भाई की कोई भी नई अपडेट आए मैं आप तक पहुँचाता रहूँ। मेरे अजीज दोस्तों साथियों, सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद सिहाब भाई को अपने इस सफ़र पर अपने घर से चले हुए कितने दिन का वक्त बीत चुका। जी हां, मैं आपको बता दूं, आज मोहम्मद सिहाब भाई को अपने इस सफ़र पर अपने घर से चले हुए तकरीबन 270 दिन का वक्त बीत चुका है। दोस्तों 270 दिन पहले सिहाब भाई ने अपना यह सफ़र शुरू किया था, ये सोच करके कि आने वाले 2023 के हज को मैं हज अदा करूंगा। मेरे अजीज दोस्तों साथियों, अब बात करें मोहम्मद सिहाब भाई की आज की लाइव लोकेशन के बारे में, तो मैं आपको बता दूं, आज मोहम्मद सिहाब भाई को अपने इस सफ़र पर अपने घर से चले हुए 270 दिन का वक्त बीत चुका है। दोस्तों इनकी जो लाइव लोकेशन है, ये इस वक्त ईरान के अंदर अभी अपने इस सफ़र को जारी रखे हुए हैं। ईरान के अंदर लगातार ये अपनी इस मंजिल की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। दोस्तों ये बहुत ही जल्द अब इराक बॉर्डर के करीब पहुंचने के बाद इराक में एंट्री मार देंगे, यानी ईरान से भी अलविदा कह देंगे। मेरे अजीज दोस्तों साथियों, बस आप सभी से यही अपील है कि आप सब सिहाब भाई के हक़ में दुआ करते रहिए, जितनी हो सके उतनी सिहाब भाई के हक में दुआ की जाए, ताकि सिहाब भाई जल्द से जल्द अपने सफ़र को इसी तरह करते रहें और ये अपनी इस मंजिल को सही सलामत और सही तरीके से पा जाएं। मेरे जिस दोस्तों साथियों, मैं आपको बता दूं, आज मोहम्मद सिहाब भाई को ईरान के अंदर तकरीबन अपना सफ़र तय करते हुए आपको बता दें 12 से 13 दिन का वक्त बीत चुका है, यानी कि 12 दिन का वक्त सिहाब भाई को ईरान के अंदर अपने सफ़र को तय करते हुए हो चुका।